ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा चुके ज्योतिष गुरु श्री के एन राव के हाथों मेडल से सम्मानित, अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए सुप्रसिद्ध और ज्योतिष अलंकार एवं ज्योतिष आचार्य अवार्ड से सम्मानित ज्योतिष आचार्य आचार्य रमन जी। सातवें भाव में शुभ केतु के लक्षण। ऐसे व्यक्ति की पत्नी सुशील, सुंदर और समझदार होगी। शादीशुदा जिंदगी अच्छी होगी। साझेदारी में व्यापार करना लाभदायक होगा। लिंग पर शहद के रंग का तिल होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धन बढ़ता जाएगा। सातवें भाव में अशुभ केतु के लक्षण। ऐसे व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं होती, तलाक भी हो जाता है। साझेदारी के व्यापार में नुकसान होता है। गुप्त अंग का रोग होता है। शुगर का रोगी होता है। पत्थरी का रोग होता है। दुर्वचन बोलने वाला होता है। हर्निया का रोग होता है। सातवें भाव में अशुभ केतु के उपाय। चार पीले केले चार दिन लगातार जल प्रवाह करें। चार पीले नींबू चार दिन लगातार जल प्रवाह करें। सफेद धोती काले किनारी वाली किसी गरीब युवक को दान दें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, शेयर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आप भी समस्याओं से परेशान हैं और समाधान पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य रमन जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। 3341 सेक्टर 23 हुड्डा गुड़गांव हरियाणा 12001। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09911351351, 08130201201। हमारी वेबसाइट है www.theindianastrology.com।